ताजनगरी आगरा में आज लघु उद्योग भारतीय उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश उद्यमी महा अधिवेश के तीसरे स्तर के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की गई है। मुख्यमंत्री के आगरा खेरिया हवाई अड्डे पर पहुंचने पर आगरा के जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लघु उद्योग भारतीय कार्यक्रम में पहुँचे 60 जिलों से लगभग 1500 उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि मुझे लघु उद्योग भारतीय के साथ 3 महीने में तीसरे बार जुड़ने का सौभाग्य मिला है। इससे पहले ग्रेटर नोएडा के ट्रेड शो में भी लघु उद्योग भारतीय सहयोगी थी, जिसमें 500 विदेशी उद्योगपति भी मौजूद थे और उद्योग के क्षेत्र में पूरी दुनिया में यूपी के सामर्थ्य को देखा गया था। कम खर्चे में पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए कम स्थान पर ज्यादा रोजगार का सृजन होना और ज्यादा परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, यह लघु उद्योग के माध्यम से ही संभव हो सकता है। और मुझे बताने में प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल से ही इसकी आधारभूमि रही है। अलग अलग प्रकार के उद्योग अलग अलग क्षेत्रों में रहे हैं और उसी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने 2018 में उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी एमपीओ योजना चलाई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहन कर देने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी मिले, उन्हें डिजाइन मिले, उन्हें पैकेजिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके, उनके लिए मार्केट भी उनको उपलब्ध करवाया जा सके और सरकार से उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर एक प्रयास प्रारंभ हुआ था और आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने हैं। जैसे राज्य में अगर हमें उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाना है, इसकी पहली शर्त होती है सुरक्षा। प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति आज देश के अंदर नजीर मानी जाती है और हम लोगों ने इस मामले में पूरी मजबूती के साथ इस बात को कहा है। हम सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किसी को भी नहीं करने देंगे। वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और आज आप देखते होंगे प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है, कानून व्यवस्था अपनी एक नजीर प्रस्तुत कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार हुआ है जब कानून व्यवस्था किसी राज्य के अंदर चुनावी मुद्दा बने और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता का व्यापक समर्थन एक सिटिंग सरकार के साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई दे, यह भी एक उदाहरण के रूप में हम सबके सामने है। देश का पहला राज्य है जिसने एमएसएमई उद्यमी को भी रजिस्ट्रेशन के साथ जोड़ करके उसको सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। और मैं चाहूंगा कि यहां हमें इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, मेरा आप सभी उद्यमियों से एक बात का अनुरोध होगा, प्रदेश सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो आपका बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर देती है। जैसे एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत आने वाला कोई भी निवेश आपको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, लेकिन साथ साथ अगर आप अपने जो निवेश आपने किया है उस निवेश को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का तो कार्य सरकार ने किया ही है, चाहे वह निवेश सारथी पोर्टल हो, निवेश मित्र पोर्टल हो, निवेश होने के बाद ऑनलाइन इंसेंटिव का पोर्टल हो, ये आपको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके किसी भी प्रकार की भाग दौड़ से बचाने का एक माध्यम तो देता ही है। लेकिन साथ साथ सरकार ने यह भी व्यवस्था दी है कि कोई भी उद्यमी कहीं भी परेशान न हो, हम उसको बेहतर सुरक्षा भी देंगे, हर स्तर पर उसको मदद भी करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।